हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ लिया था, लेंस के प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम लोग जानेंगे लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी अगर आप सीख जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो आज आपके जो आगे के क्वेश्चन आएंगे, जो आपके बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए, आप लोगों के टाइम को नुकसान न लेते हुए, यानी टाइम का नुकसान न करते हुए, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है उसको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चिन्ह परिपाटी क्या होती है, आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक लेंस का निर्माण करते हैं, चाहे वो आप उत्तल बना लीजिए चाहे अवतल। तो हम लोगों ने क्या बना लिया, उत्तल बना लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, उत्तल बनाने के बाद क्या, उसके बाद इस पर एक हम लोग क्या करते हैं, मुख्य अक्ष की रचना कर देते हैं। ये क्या होती है, इसकी प्रकाशी केंद्र होती है। क्या होती है, प्रकाशी केंद्र होती है। अब आगे ध्यान से समझिएगा, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। डियर स्टूडेंट, अब आप जरा सा समझिएगा, चिन्ह परिपाटी हम लोग लिखेंगे क्या, कि सबसे पहला नियम क्या लिखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा आप, ये आपका हाथ होता है दायां और ये आपका हाथ होता है बायां। तो ध्यान से समझिएगा, दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती है, बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती है। दायां धनात्मक, बायां ऋणात्मक। तो डियर स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रकाशिक केंद्र के दाएं तरफ की मापी गई दूरी सदैव धनात्मक होती है और प्रकाशिक केंद्र के बाएं तरफ की दूरी मापी गई दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी एक बात और ध्यान से समझिएगा कि जो प्रकाश किरणें हैं वो लेंस के बाएं तरफ से आपतित होती है। ध्यान से समझिएगा, जो प्रकाश किरणें हैं वो लेंस के बाएं तरफ से आपतित होती हैं, कभी इधर से आपतित नहीं होंगी, कभी दाएं तरफ से प्रकाश किरणें लेंस पे नहीं पड़ती हैं। ये रूल है, ये नियम है, ये हमको याद रखना है, ये हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कि जो सभी प्रकाश किरणें लेंस के बाएं तरफ से पड़ती हैं या बाईं तरफ से आपतित होती हैं। तो आप लिख सकते हो, ये क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है। ठीक, अब आप ध्यान से समझिएगा, ये हो गई आपतित किरण। ये मान लीजिएगा कोई वस्तु हो गया, ये क्या हो गया, कोई वस्तु। ये मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई हो गई और ये कोई हो गए प्रतिबिंब। क्या हो गए, प्रतिबिंब। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई। क्या, मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई। ठीक, और ये ऊपर की लंबाई। ठीक, और ये दायां तरफ है। क्या है, दायां तरफ। तो दायां तरफ की दूरी जो होती है सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ये भाग हो गए धनात्मक और ये भाग क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। ये भाग क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। तो आप लिखना चाहो तो लिख देंगे। ठीक, ये भाग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी तैयार करते हैं। सबसे पहले पहला नियम लिखते हैं। तो पहला नियम डियर गाइस, हमने क्या बताया, कि जो सभी प्रकार की जो प्रकाश किरणें होती हैं वो लेंस के बाएं तरफ से आपतित होती है। किधर से आपतित होती है, बाएं तरफ की आपतित होती है। किधर से पड़ती है, बाएं तरफ से आपतित होती है। तो पहला नियम हम लिखना चाहेंगे, तो पहला नियम लिख सकते हैं डियर गाइस। क्या लिखेंगे, पहला नियम, सभी प्रकाश किरणें लेंस के बाएं तरफ से आपतित होती है। क्या होती है, बाएं तरफ से आपतित होती है। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम डियर स्टूडेंट, दूसरा नियम क्या है, ध्यान से समझिएगा, दूसरा नियम क्या है, आप सभी प्रकार की जो दूरियां होती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती हैं डियर स्टूडेंट, प्रकाशिक केंद्र से। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सभी प्रकार की दूरियां
सभी प्रकार की दूरियां, सभी प्रकार की दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। कहां से मापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। कहां से मापी जाती हैं भैया? प्रकाशिक केंद्र से, यानी चाहे इधर मापो चाहे इधर मापो, कहां से मापना स्टार्ट करोगे? प्रकाशिक केंद्र से मापना स्टार्ट करोगे। चलिए डियर स्टूडेंट, अब आपका जो तीसरा चिन्ह परिपाटी आता है, तीसरा नियम क्या आता है, ध्यान से समझिएगा गाइज, ध्यान से क्या समझेंगे प्यारे बच्चों, जो होता है प्रकाशिक केंद्र के दाएं तरफ, ये दाहिना भाग है ना, तो प्रकाशिक केंद्र के दाएं तरफ की दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। बाएं तरफ की दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। या क्या बता सकते हो, क्या बताओगे बबुआ? बताओगे कि जिस दिशा में प्रकाश किरणें जा रही होती हैं, जिस दिशा में प्रकाश किरणें जाती हैं, उस दिशा में मापी गई दूरियां सदैव धनात्मक होती हैं, और उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाशिक केंद्र, क्या लिखेंगे? प्रकाशिक केंद्र के दाएं तरफ की दूरी, दाएं तरफ की दूरी सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। ठीक, अगला रूल, जो प्रकाशिक केंद्र के बाएं तरफ की दूरी होती है वो क्या होती है? सदैव ऋणात्मक होती है। तो प्रकाशिक केंद्र के बाएं तरफ की दूरी, बाएं तरफ की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। क्या होती है? सदैव ऋणात्मक होती है। ठीक, इसी लाइन को आप लिख सकते हो, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी सदैव धनात्मक होती है, और आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। लास्ट रूल क्या होता है? लास्ट होता है मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक, नीचे की लंबाई ऋणात्मक, चाहे वो प्रतिबिंब की लंबाई हो चाहे वस्तु की लंबाई हो। तो लिखेंगे, क्या बताया हमने? मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक, नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई, ऊपर की लंबाई धनात्मक तथा नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गए आपके चिन्ह परिपाटी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।